देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें कुछ दिन पहले दिक्कतों की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा गया। सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। आखिर रतन टाटा देश के कोहिनूर कैसे बने? कैसे उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई? क्यों लोग उनको अपना बेटा मानते हैं? आखिर क्या है रतन टाटा की शख्सियत? 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। वो पारसी धर्म से थे। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। इससे पहले रतन टाटा ने साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीआर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने लॉस एंजल्स में जोन्स और इमंस के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया। वो 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हो गए थे। रतन टाटा जितने साधारण व्यक्ति के मालिक थे, उतने ही उनके किस्से काफ़ी रोचक थे। रतन टाटा बताते हैं कि रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते हैं कि एक बार तो शादी हो ही गई थी, तब वो US में थे, पर उनकी दादी ने उन्हें अचानक फ़ोन करके बुला लिया और उसी समय भारत का चीन से युद्ध छिड़ गया। वो यहीं अटक गए और उस लड़की की शादी हो गई, जिसके बाद रतन टाटा की कभी शादी नहीं हो पाई। रतन टाटा को बुक लवर भी कहा जाता है। उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बेहद पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अब वो अपने शौक को समय दे रहे हैं। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वो केवल औपचारिक और ज़रूरी बातें ही किया करते थे। रतन टाटा बताते हैं कि 60 से 70 के दशक के गाने सुनना उनको पसंद है। वो कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊँ। मुझे सिम्फनी भी अच्छी लगती है, विथोवन चेस्की पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकूं। इंटरव्यू में कारों के बारे में पूछने पर टाटा ने बताया कि मुझे कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था, मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक़ है, ख़ास तौर पर उनके स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है।